क्लास सिक्स होली चाइल्ड फिजिक्स चैप्टर नंबर सिक्स, दिस इज पेज नंबर 87। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसा क्या होता है। पॉइंट नंबर वन, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी यानी खींचने की विशेषता। ये खाली मैग्नेटिक सब्सटेंस ही खींच सकता है, दूसरा चीज या दूसरे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस नहीं खींच सकता है। नंबर टू, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज रेड्स अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जब भी किसी अगर मैग्नेट को आप पतले धागे से बांध के झुला दोगे, छोड़ दोगे, तो जब वो रुकेगा तो हमेशा ही जब भी रुकेगा एक तरफ नॉर्थ रहेगा एक तरफ साउथ रहेगा। दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, आपने पढ़ा होगा नॉर्थ और साउथ पोल, तो एक नॉर्थ और एक साउथ की तरफ घूम के रहेगा। पॉइंट नंबर थ्री, लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल्स जो होते हैं सेम, यानी समझ लो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, अगर दो मैग्नेट को पास में लेके जाओगे और दोनों का ही नॉर्थ पोल है तो रिपेल करेगा, रिपेल यानी चिपकेगा नहीं, दूर दूर भागेंगे। और अनलाइक पोल्स यानी एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ अगर लेके आओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा यानी चिपकेगा। इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रॉपर्टी। नंबर फोर, द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, अ सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो पोल जो है नॉर्थ और साउथ पोल ये हमेशा जोड़े में रहता है, मतलब दोनों एक साथ रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता भाई एक टुकड़ा हो गया तो उसके खाली नॉर्थ पोल है या एक टुकड़ा है तो साउथ पोल है, चाहे छोटा टुकड़ा हो चाहे बड़ा टुकड़ा हो दोनों पोल्स रहते हैं, हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। पॉइंट नंबर वन, व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो हमने पढ़ा था अभी पॉइंट नंबर वन, यही था आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो ये जो खींचने की ताकत है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, इसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट सेम एवरीवेयर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो कोई भी मैग्नेट होगा, अगर समझ लो बार मैग्नेट है जैसे कि यहां पर है आप देख रहे हो, तो खींचने की ताकत एक जैसे नहीं होती हर जगह। तो यहां हम देख सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल में दोनों तरफ लेकिन लोहे के टुकड़े ज्यादा जमा हुए हैं, यानी पोल्स में खींचने की ताकत ज्यादा होती है, बीच में ज्यादा नहीं होता है। ये लिखा हुआ देखो, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो ये जो अट्रैक्शन है खींचने की ताकत सबसे ज्यादा पोल्स में होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों में, और बीच में सेंटर में कम होता है। तो यही हमने एक्टिविटी में जो मैं दिखा रहा था आपको, यही आपका शो किया गया है। पॉइंट नंबर टू, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साइड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये बता चुके हैं कि अगर किसी मैग्नेट को आप लटका दोगे धागे से तो वो हमेशा जब रुकेगा नॉर्थ साउथ तरफ घूम के रुकेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट टू डायरेक्ट इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट का वो चुंबक का वो तरफ जो नॉर्थ साइड में, ज्योग्राफिक नॉर्थ यानी हमारा पृथ्वी का जो जिसका नॉर्थ है नॉर्थ पोल की तरफ जो जाता है, उस मैग्नेट के उस तरफ को बोलते हैं हम नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं। और जो दूसरा एंड जो है मैग्नेट का, दूसरा किनारा जो साउथ की तरफ जाता है, उसको हम बोलते हैं साउथ सीकिंग और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो यहां पर देखो एक जानकारी दिया गया है मैग्नेटिक कंपास के विषय में। तो ये अभी भी इस्तेमाल होता है, बहुत पहले से इस्तेमाल होता है, इससे नाव चलाने में समुद्र में तो पता ही चलता है किस तरफ क्या है, तो ये दिशा दिखाता है हमको। इट हैज अ स्मॉल बार मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ अ नीडल। तो इसमें छोटा बार मैग्नेट होता है, ये जो सुई जैसा दिख रहा है आपको ये बार मैग्नेट है एक्चुअली। द नीडल रोटेट्स फ्रीली, और ये नीडल है बीच में एक पिन से लगा होता है तो ये आराम से फ्रीली घूम सकता है गोल गोल। दिस मैग्नेट इज enclosed इन अ स्मॉल राउंड बॉक्स विद अ ग्लास टॉप। तो ये छोटे गोल बॉक्स में ऊपर कांच रहता है आपका। डायरेक्शन आर मार्क्ड ऑन द बेस ऑफ द बॉक्स, और इसके नीचे ऐसा घड़ी का डायल होता है, वैसे इसमें डायल होता है जिसमें डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब लिखा रहता है। द मैग्नेटिक कंपास इज बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। तो हमने अभी पढ़ा कि जो कंपास कौन से नियम के ऊपर आधारित है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी यानी आराम से घूमते घूमते कहीं भी आप कंपास को किसी तरह भी घुमा लो लेकिन कांटा हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में घूमता हुआ रहेगा।
द नीडल ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो कहीं भी आप किसी तरफ घूम जाओ लेकिन कांटा आपको हमेशा नॉर्थ और साउथ दिखाएगा हमारा. तो इसमें दो कलर दिख रहा है आपको जनरली, इसमें दिखने एक लाल होता है, हरा होता है एक. द मैग्नेटिक कंपास इज यूज बाय ट्रेवलर्स एंड नेविगेटर्स टू फाइंड डायरेक्शंस. तो ट्रेवलर्स जो घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ, और आपके जो नेविगेटर्स यानी नाव या जहाज जो चलाते हैं वो लोग ये ज़्यादा यूज करते हैं. ना यहाँ पर एक देखो एक्टिविटी दे रखा है जो कि ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के लिए, कि एक मैग्नेट को आपको पतले धागे से बांध के झुला दिया गया है. तो जब भी वो रुकेगा तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा. ये देखो नॉर्थ साउथ दिख रहा है आपको, इसी तरफ को घूम के ये खड़ा है नॉर्थ और ये साउथ. जनरली जो मैग्नेट्स मिलते हैं बाजार में साइंस लैब के लिए उसमें नॉर्थ साउथ लिखा हुआ रहता है, और ऐसे जो मैग्नेट यहाँ वहाँ लगे रहते हैं स्पीकर वगैरह उसमें नहीं लिखा रहता है. लेकिन उसका भी पता कर सकते हैं हम लोग, अगर हमको नॉर्थ डायरेक्शन पता हो तो मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल पता कर सकते हैं हम लोग. नंबर थ्री, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर. तो पहले पढ़ा चुका हूं मैं कि लाइक पोल्स अगर पास में लेके आएंगे नॉर्थ नॉर्थ पोल, या दो मैग्नेट के साउथ साउथ पोल हम एक तरफ को लेके आएंगे तो वो छिटक छिटक जाएगा, मतलब चिपकेगा नहीं. कभी अगर आपको देखो मेले में छोटे छोटे गोल गोल मैग्नेट मिलते हैं खेलने के लिए, उसे बहुत मजा आता है. सो व्हेन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोजर दे एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. तो जब भी दो पोल्स पास में आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ताकत लगाते हैं वो. टू लाइक पोल्स जैसे कि टू नॉर्थ या टू साउथ पोल्स रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे छिटकाएंगे. टू अनलाइक पोल्स यानी नॉर्थ और दूसरा साउथ, या साउथ या नॉर्थ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या खींचेंगे. ये देखो यहाँ एक्टिविटी दे रखा है आपको, यहाँ पर देखो ये दोनों लाल लाल यानी दोनों ही नॉर्थ पोल हैं आपके. तो देखो ये घूम जा रहा है माने दूर चला जा रहा है, ये रिपेल कर रहा है ये, ठीक है ना. दोनों ही रिपेल देखो, दोनों नॉर्थ नॉर्थ और दोनों साउथ साउथ, तो ये छिटक रहा है पास में नहीं आ रहा है. और यहाँ देखो ये नॉर्थ एक साउथ है और ये साउथ है नॉर्थ है, ये दोनों पास में आ जा रहे हैं चिपक जा रहे हैं, है ना. अट्रैक्शन देखो लिखा हुआ अट्रैक्शन, यहाँ लिखा हुआ रिपल्शन. पॉइंट नंबर फोर, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. मैग्नेटिक पोल्स हमेशा ही, जैसे पहले बताया था कि एक मैग्नेट में दोनों पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल भी रहेगा साउथ पोल भी रहेगा. व्हेन वी ब्रेक अ मैग्नेट इनटू टू पार्ट्स ईच पार्ट बिहेव्स एज अ कंप्लीट मैग्नेट. अगर हम एक बड़े मैग्नेट को तोड़ भी देंगे दो टुकड़ों में तो हर एक टुकड़े का दोनों पोल रहेगा. अगर एक टुकड़े को हमने एक बड़ा टुकड़ा दो टुकड़े में कर दिया तो दोनों छोटे टुकड़ों का आपका नॉर्थ साउथ पोल दोनों रहेगा आपका. ईच पार्ट हैज द अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज. और दोनों टुकड़ों में आपके दोनों ही खींचने का और डायरेक्टिव का यानी नॉर्थ साउथ वाला जो प्रॉपर्टी है वो भी उसमें रहेगा. व्हेन वी अगेन ब्रेक बोथ द पार्ट्स ऑल द फोर पार्ट्स बिहेव एन इंडिविजुअल मैग्नेट्स. फिर से अगर छोटे टुकड़ों को और टुकड़ा कर देंगे तो जितना ही छोटे टुकड़े कर दें उनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा आपका. इट इज इम्पॉसिबल टू गेट अ मैग्नेट विथ ओनली वन पोल. एक मैग्नेट का एक ही पोल हो ये असंभव है. Thus the poles of a magnet always exist in pairs. इसलिए जो मैग्नेट के पोल्स है हमेशा वो जोड़े जोड़े रहते हैं. नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट. यानी यहां देखो ये जो टुकड़े वाला प्रॉपर्टी देखो बता रहे थे, ये बड़ा मैग्नेट है तोड़ दिया दो टुकड़े हो गए इसका नॉर्थ साउथ हो गया, फिर उनको और तोड़ दिया तो छोटे छोटे टुकड़ों को भी देखो नॉर्थ साउथ पोल आपको दिख रहे होंगे. अच्छा नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, यानी एक चिम्बक के चारों तरफ जो मैग्नेट का ताकत है उसके बारे में, उसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड. द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस इज फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. यानी चिंबक के चारों तरफ जितना दूर तक उसका खिंचाव का ताकत रहता है उतना दूर तक उसी को बोलते हैं हम लोग, उस इलाके को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ देखो एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि भाई ये जो आपको काला काला दिख रहा है ये आपके आयरन फिलिंग्स यानी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं. तो यहाँ देखो सबसे घना कहाँ है, पोल्स में है, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में. तो ये हम पढ़ चुके हैं कि खींचने की ताकत सबसे ज़्यादा पोल्स में रहता है, तो इसलिए ज़्यादा वहाँ पर जमा हो गए लोहे के टुकड़े खींच लिया है. और देखो बीच में कम होता है खिंचाव का ताकत, ठीक है ना. और ये देखो बीच में कम है तो क्योंकि कम कम आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आयरन फिलिंग्स, तो इसी से हमको पता चलता है कि अच्छा इसमें एक चीज़ और है. देखो वी कैन नॉट सी द मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेकिन देख नहीं सकते, महसूस कर सकते. महसूस मतलब कैसे कर सकते हैं,
ऐसे टुकड़े लाके अगर हम करें एक्टिविटी तो हम पता कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे सज जाएगा जैसे आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही डिजाइन बन जाएगा आपका। वी कैन ओनली फील इट्स प्रेजेंस बाय द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये महसूस कर सकते हैं, कोई आयरन या कोबाल्ट का टुकड़ा अगर लाए हम पास में तो खींचेगा तो महसूस कर सकते हैं। इन एक्टिविटी 5 जो हम पीछे देख रहे थे, द पाथ अलॉन्ग विच द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये दिख रहा है आपको, ये कैसे लाइन लाइन जैसे बोले गोल गोल थोड़े से कर्व जैसे आपके बने हुए लाइन्स, तो इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फील्ड लाइन्स बोलते हैं हम लोग। अ सेट ऑफ कर्व्स अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और बहुत सारे ऐसे जो सेट एक साथ बहुत सारे कर्व बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारे गोल गोल कर्व बन रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोला जाता है। आउटसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो मैग्नेट के बाहर ये जो मैग्नेटिक लाइन्स आपको दिख रहे हैं ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल आते हैं। यहां पर भी एक डायग्राम दे रखा, देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल एरो आपको दिख रहा है आपको। इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। और मैग्नेट के अंदर ही अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल आते हैं ये। ठीक है, यहां तक ही रखेंगे। आपको इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट से आपको याद करना है, एक ही बता रहे हैं आपको, ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं, ये चार प्रॉपर्टीज को एक बार आप याद लिख के आप जरूर याद करना और इसका एक रिकॉर्डिंग जरूर मुझे भेजना। ठीक है।